नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप शो। भारत और पाकिस्तान के बीच 26 और 27 फरवरी के दिन जितने नाटकी गुजरे वैसा बरसों में देखने को नहीं मिला था। 26 फरवरी 2019 की सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय वायुसेना ने जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स पर कार्रवाई की, इस तरह की खबरें आईं और इसके बाद से वक्त बड़ी तेजी से गुजरा। 27 फरवरी की सुबह खबर ये थी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया, यहाँ बम गिराए, लेकिन शाम तक सारी बातें एक जगह आकर रुक गईं। पाकिस्तान का एक फाइटर जेट गिरा है, भारत का एक MiG-21 बाइसन गिरा है और भारतीय वायुसेना का कम से कम एक पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है। 26 फरवरी की सुबह से लेकर अब तक दोनों मुल्कों में टीवी फाइटर जेट से तेज आवाज निकाल रहा है। इधर के दावे हैं, उधर के दावे हैं, सब सूत्रों के हवाले से। सूत्र कौन कोई बताता नहीं, भ्रम की स्थिति है। तो दी लल्लनटॉप शो में आज हमारी कोशिश रहेगी कि आपके भ्रम दूर हो। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना की आतंक विरोधी कार्रवाई से लेकर अब तक हुए सभी बड़े डेवलपमेंट्स की। बड़ी खबर के बाद हम पड़ताल करेंगे इस बात की कि कैसे सालों पुराने वीडियोस चलाकर पाकिस्तानी मीडिया ये दावा करता रहा कि पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट गिरा दिए। 26 फरवरी को आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच खेल के नियम बदल गए। शांति के समय में पहली बार भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया और ये ऑपरेशन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नहीं था, ये पाकिस्तान की अपनी जमीन पर था। जगह का नाम बालाकोट। ऑपरेशन को एक दिन बीत गया है और कई सारी चीजें अब पहले से ज्यादा साफ हैं, जैसे वायुसेना के टारगेट्स की संख्या। कल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक हमने आपको बताया था कि वायुसेना की कार्रवाई चकोठी और मुजफ्फराबाद में भी हुई थी, लेकिन अब ये साफ है कि भारतीय वायुसेना का टारगेट सिर्फ बालाकोट का जैश कैंप था, इसलिए विदेश सचिव ने भी अपनी प्रेस ब्रीफ में सिर्फ बालाकोट का ही नाम लिया था। वायुसेना की कार्रवाई के बारे में और भी ब्यौरे सामने आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 12 मिराज के साथ कम से कम 4 सुखोई 30 MKI भी गए थे, ये भी हमारे लड़ाकू विमान हैं। इनका काम था ये तय करना कि मिराज 2000 के बेड़े को अपने मिशन के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स से कोई खतरा ना रहे। एयरफोर्स का मिशन पूरा होने के बाद से ही इस बात का अंदेशा था कि पाकिस्तान अपने यहाँ उठी बदले की मांग को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, और यही हुआ 27 फरवरी की सुबह। बचपन में हमारी कॉपी पर ये टीचर लिख दिया करती थी, होमवर्क एज क्लास वर्क, कि जैसा क्लास में लिखवा दिया वैसा घर से लिखकर ले आओ, यही होमवर्क है। कमोबेश यही पाकिस्तानी एयरफोर्स का हाल रहा। कल भारतीय वायुसेना एलओसी के पार गई थी, आज पाकिस्तानी वायुसेना एलओसी के इस पार आई। लोग अपने घरों में अखबारों की तहें खोल रहे थे कि टीवी बोल पड़ा, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय वायुसेना का उल्लंघन किया। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी चल गई कि भारतीय वायुसेना ने जवाब दिया तो पाकिस्तानी वायुसेना अपना पेलोड छोड़कर भाग गई। और फिर आई बड़गाम क्रैश की खबर। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने किया क्या ये साफ हो पाता, इससे पहले ही खबर आ गई कि जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी कि उन्होंने भारत का जेट गिरा दिया। सोशल मीडिया पर अलग अलग क्रैश के वीडियो तैरने लगे। बाद में जाकर ये बात साफ हुई कि बडगाम में गिरा विमान दरअसल वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर था। गारेत कला नाम के गाँव के पास तकनीकी कारणों से हुए इस हादसे में 6 वायुसैनिकों के शहीद होने की खबर है। वायुसेना ने इस हादसे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। और फिर नजर आया एक पैराशूट। बडगाम क्रैश की खबरों के साथ ही ये खबर भी चली कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक F-16 गिरा दिया है। कहा गया कि एक पैराशूट नजर आया है जिसका सवार LOC के पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जाकर गिरा। फिर सब वॉर, एयर वॉर चिल्लाने लगे। बडगाम क्रैश, F-16 के गिराए जाने की खबर ने माहौल जंग का बना दिया। धड़ाधड़ अपडेट आने लगे कि पूरे पाकिस्तान और उत्तर भारत में हवाई सेवाएं बंद कर दी गई हैं और रनवे एयरफोर्स के लिए खाली रखने को कहा गया है। क्या हो रहा था किसी को समझ नहीं आ रहा था। और तब आया पाकिस्तान की तरफ से पहला आधिकारिक बयान। पाकिस्तान की तरफ से कल ही की तरह आज भी पहली प्रतिक्रिया सेना की तरफ से आई। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि पाकिस्तान की वायुसेना ने LOC पर अपनी तरफ रहकर भिंडर गली, KG टॉप और नारियान में मौजूद 6 भारतीय ठिकानों पर बम गिराए।
गफूर ने कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाई में किसी सैनिक ठिकाने या आम रिहायश को निशाना नहीं बनाया गया, क्योंकि पाकिस्तान बस एक मैसेज देना चाहता था कि उसके पास हमला करने की ताकत है। कपूर ने बताया कि बडगाम में हुए क्रैश में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है और ये भी कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाई F-16 से नहीं JF-17 से हुई थी, इसलिए F-16 के गिरने का सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद जो कपूर ने कहा उसने भारत में हेडलाइंस बदल दी, सुनिए। जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये टारगेट ले लिए तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के दो जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए, ने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। दो पायलट्स ज़मीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया और जैसे उनके साथ एक महजब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। इसके फौरन बाद टीवी पर एक वीडियो चलने लगा जो कथित तौर पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का था। इसमें उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। सोशल मीडिया पर और भी तस्वीरें आईं जो विंग कमांडर अभिनंदन से जुड़ी हुई थी। इंटरनेट पर मौजूद गैर आधिकारिक जानकारी में वर्धमान का नाम और सर्विस नंबर मैच कर गया वीडियो में दी जानकारी से। एक समाचार चैनल का वीडियो भी यूट्यूब पर मिल गया जिसमें अभिनंदन नजर आते हैं। पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर तैर रहे भारतीय पायलट का चेहरा मोहरा अभिनंदन से काफी मेल खाता नजर आता है। इसके बाद सभी दम थाम कर भारत सरकार या वायुसेना की तरफ से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करने लगे और फिर पुष्टि आई जिसमें कहा गया कि हाँ, हमारा मिग पाकिस्तान में गिरा है। पाकिस्तान से पायलट की तस्वीरें आने के बाद यहाँ ऐलान हुआ कि विदेश मंत्रालय दोपहर 3:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। और जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव फीड आई तो सबसे पहला ध्यान गया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के साथ बैठे एयर वाइस मार्शल RGK कपूर पर। रवीश के मार्फत आए भारत सरकार के आधिकारिक बयान की खासम खास बातें ये रही। पहली बात, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने नियंत्रण रेखा पार की थी। दूसरी बात, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। तीसरी बात, पाकिस्तान का एक जेट भारत की कार्रवाई में गिराया गया। आई रिपीट, पाकिस्तान का एक जेट भारत की कार्रवाई में गिराया गया। पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में हमारा भी एक MiG-21 बाइसन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में क्रैश हुआ। इसका पायलट मिसिंग इन एक्शन माने लापता है, ऐसा प्रवक्ता ने कहा। एयर वाइस मार्शल RGK कपूर नहीं बोले, सिर्फ रवीश ने बयान पढ़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना सवालों के खत्म हो गई। और फिर टीवी पर, पाकिस्तान की टीवी पर आए इमरान खान। मिग के गिरने की बात साफ हुई तो इमरान खान बोले, भारत के पायलट हमारे पास हैं, दोनों मुल्कों के पास परमाणु हथियार हैं, हम बात करना चाहते हैं। कई लोगों की दिलचस्पी हुई, कई दावे भी हुए सोशल मीडिया पर MiG-21 बाइसन को लेकर। फिलहाल हम ये तय नहीं जानते कि पाकिस्तान में जो क्रैश हुआ MiG-21 वो कहां से चला था, लेकिन इस बात की संभावना है कि ये भारतीय वायुसेना के नंबर 51 स्क्वाड्रन स्वॉर्ड आर्म्स का हिस्सा था। ये MiG-21 फाइटर जेट का स्क्वाड्रन है जो श्रीनगर में बेस्ड है। पहला MiG-21 1959 में उड़ा था। सोवियत संघ में बने सिंगल सीटर सुपरसोनिक फाइटर जेट को दुनिया भर की वायुसेनाओं ने इस्तेमाल किया। भारत में MiG-21 1963 में आने शुरू हुए और 1971 की लड़ाई में ये प्लेन हमारे बहुत काम आया। हमने कुल 874 मिग इस्तेमाल किए। 1966 से 1986 तक HAL ने भी MiG-21 बनाए। MiG-21 बाइसन एक अपग्रेडेड MiG-21 था। 90 के दशक में यानी कि 90 के दशक में इन बदलावों के बावजूद मिग पुराना हो चला था तो भारतीय वायुसेना ने इसे रिटायर करना शुरू किया। फिलहाल इस्तेमाल हो रहे MiG-21 कुछ आखिरी फाइटर जेट हैं जो जल्द ही रिटायर होंगे। MiG-21 को लेकर लगातार हादसों की खबरें आई हैं। इन्हें फ्लाइंग कॉफिन और विडो मेकर भी कहा गया है। ये सच है कि MiG-21 के बहुत सारे हादसे हुए हैं, लेकिन यहाँ हम एक ज़रूरी बात का उल्लेख कर देना चाहते हैं। मीडिया में मिग को लेकर चलने वाली खबरें और उपनाम एक तरफ हैं और वायुसेना का विवेक दूसरी तरफ। दुश्मन वायुसेना को जवाब देने के लिए वायुसेना ने MiG-21 को चुना। इसके पीछे बहुत जटिल कारण हो सकते हैं। इसकी पड़ताल सक्षम लोग करें तो बेहतर है। फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी अनिवार्य रूप से होगी ही। जोर देना ही है तो इस बात पर दें कि इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आए और तब यदि किसी स्तर पर चूक पाई जाए तो न्याय हो। अब क्या करेगा भारत, एक अहम सवाल। भारत ये स्वीकार कर चुका है कि कम से कम एक पायलट पाकिस्तान के पास है। फिलहाल सरकार इस पायलट को वापस लाने के प्रयासों में लगी हुई है।
पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को सरकार ने तलब किया है। सरकार और विपक्ष साथ आ गए हैं। सुबह अरुण जेटली ने कहा कि हम लादेन को मारने के लिए हुए मिशन जैसी कार्रवाई भी कर सकते हैं। शाम को सभी राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग हुई, जिसके बाद राहुल गांधी टीवी पर आए, पाकिस्तान की निंदा की और कहा कि विपक्ष सरकार के साथ है। अब हमारे सामने हैं कुछ सवाल। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता और प्रधानमंत्री सुबह दो पायलट्स के होने की बात कर रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने सख्ती से कहा कि हमारा एक ही पायलट लापता है। और फिर शाम होते होते पाकिस्तान ने अपनी गलती कबूली और ये कहा कि हमारे कब्जे में एक ही पायलट है। ये बात स्पष्ट हो गई। इसको लेकर आज पूरे दिन बड़ा कन्फ्यूजन रहा। भारत सरकार का कहना है कि भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उधर पाकिस्तान ये कह रही थी कि हमने सैन्य ठिकाने के करीब बम दागे। ये ठिकाने कौन से थे और इन्हें कितना नुकसान पहुंचा है, इसको लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अपनी बात को विराम हम एक अपील से देंगे। भारत पर हमला हुआ है तो करारा जवाब और बदला मांगिए। ये भी पूछिए कि हमला कैसे हुआ, क्या गड़बड़ी रही, इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, और जो कश्मीर इतने बड़े विवाद के केंद्र में है उसको लेकर हम कैसे अपनी रणनीति बेहतर कर सकते हैं, कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी कश्मीरी भारतीय सेना पर, भारतीय स्टेट पर पत्थर न चलाए, सवाल न उठाए, इसे अपना माने। लेकिन लड़ाई का शंखनाद जो रात दिन टीवी पर सड़कों पर है, वो करने से पहले ये ध्यान रहे कि एक घर है जहां आज किसी का मन नहीं लग रहा क्योंकि कोई घर नहीं लौटा है, और इसकी वजह थोड़ी बहुत तो हम सब भी हैं। पाकिस्तान के दावों और भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक को लेकर सोशल मीडिया पर कई झूठ वायरल हो रहे हैं और आज हम इन्हीं सब दावों की पड़ताल करेंगे। क्या है पहला दावा? पाकिस्तान की तरफ से दावा हुआ कि भारत का एक प्लेन वहां की सेना ने मार गिराया। साथ में यह भी दावा किया गया कि इंडियन एयरफोर्स के एक पायलट को जिंदा पकड़ लिया गया। इस दावे के समर्थन में वहां के पत्रकार और सोशल मीडिया के कई लोग ट्वीट कर रहे थे। क्या ट्वीट कर रहे थे? एक वीडियो ट्वीट कर रहे थे। और सच्चाई क्या है इस वीडियो की? सच यह है कि पाकिस्तान की ओर से जिस फोटो, जिस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है, वो फोटो और वीडियो सूर्य किरण विमान के पायलट का है। 19 फरवरी 2019 की बात है। बेंगलुरु में एरो शो होना था, उसकी रिहर्सल चल रही थी। उसी दौरान दो सूर्य किरण विमान, हॉक विमान, आपस में टकरा गए। हादसे के समय वो मिरर फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब एक प्लेन सीधे उड़ता, दूसरा उसके ऊपर पीठ के बल उड़ता। उस हादसे के दौरान दोनों पायलट अपने विमानों से इजेक्ट तो कर गए, लेकिन एक पायलट खुद को पूरी तरह से अलग नहीं कर पाया। ये जो तस्वीर सर्कुलेट हो रही है, ये इस हादसे में घायल हुए पायलट की तस्वीर है। तो क्या नतीजा निकला हमारी पहली पड़ताल का? कि पाकिस्तान की तरफ से जो सोशल मीडिया पर ये तस्वीर और वीडियो वायरल हो रहा है, ये फर्जी है। ये वहां मार गिराए गए मिग का नहीं है, भारत में दुर्घटनाग्रस्त हुए एक हॉक के पायलट की तस्वीर है। दूसरा दावा, ये दावा पाकिस्तान के एक मीडिया हाउस द्वारा किया गया। ट्रिब्यून पीके की वेबसाइट पर झूठ फैलाया जा रहा था। ट्रिब्यून पीके ने एक फोटो डाली, कहा ये उस जेट की फोटो है जो पाकिस्तान ने गिराया है। फोटो पर कैप्शन लिखा, रैकेज ऑफ डाउन इंडियन एयरफोर्स जेट। इस तस्वीर के साथ फोटो कर्टसी दी गई रेडियो पाकिस्तान को। क्रैश हुए इस विमान में मलबा नजर आ रहा था, धुआं सा उठता नजर आ रहा था। किसी को भी लग सकता था कि यह जेट शायद पाकिस्तान ने मार गिराया हो, पर संदेह इस फोटो में दिखती साड़ी वाली महिलाओं को देखकर हुआ। पाकिस्तान में इतनी साड़ियां महिलाएं कब से पहनने लगी? हमने तस्वीर की पड़ताल शुरू की। गूगल इमेज सर्च करने पर यह तस्वीर तो नहीं मिली, लेकिन इस तस्वीर से जुड़ा सर्च रिजल्ट आया, जिसमें लिखा था प्लेन क्रैश इन अरुणाचल प्रदेश। उस कीवर्ड से खोजने पर एक क्रैश हुए चॉपर की तस्वीर मिली, जो इस तस्वीर से बहुत अलग थी। फिर हमने येंडेक्स की शरण ली, वहां खोजा तो एक पूरी तस्वीर नजर आई जिसमें खाकी वर्दी में एक पुलिस वाला भी था। मतलब साफ था फोटो भारत की है। उस पूरी तस्वीर को रिवर्स इमेज सर्च किया तो खबर मिली 2015 की। क्या है इस तस्वीर का सच? 3 जून 2015 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में ये एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ था। बिसोई पुलिस थाने में कुदर सही ये जगह है जहां पर ये क्रैश हुआ, वहीं की ये फोटो है। उस मौके की कई और तस्वीरें भी हैं। ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट था जिसने पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा बेस से उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के 35 मिनट के बाद ये क्रैश हो गया था। इस हादसे में सचिन और सिद्धांत नाम के दो पायलट घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया था।
तो क्या नतीजा निकला हमारी पड़ताल का? ये दावा पूरी तरह फर्जी है। पाकिस्तान की मीडिया में जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। ये पाकिस्तान की नहीं उड़ीसा की तस्वीर है। झूठ बोलने में बस पाकिस्तान ही शामिल हो ये जरूरी तो नहीं। भारत में भी कई लोगों ने सोशल मीडिया पर झूठे दावे किए। क्या है पहला दावा? कई तस्वीरों के कोलाज और कई तस्वीरें एक साथ अपलोड की जा रही थी, साथ में एक कैप्शन था, पाकिस्तान विनाश और बर्बादी का जखीरा देख ले, ये तेरे पाक की तस्वीर है जो आज हुआ, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये तस्वीरें एयर स्ट्राइक में मारे गए लोगों की यानी कि आतंकवादियों की बताई जा रही थी। हमने इन सारी तस्वीरों की एक एक करके पड़ताल की। पहली तस्वीर ये पाकिस्तान के बालाकोट की है लेकिन एयर स्ट्राइक की नहीं, 11 अक्टूबर 2005 की है। 8 अक्टूबर 2005 को यानी कि इस तस्वीर के खींचे जाने से 3 दिन पहले वहां भयंकर भूकंप आया था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। 11 अक्टूबर को उन्हीं के कफन दफन के दौरान की ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर ये भी उसी भूकंप के बाद की है। पाकिस्तान के जियो टीवी ने ये 8 अक्टूबर 2017 को एक खबर के फीचर में इस्तेमाल की थी। सालों बाद उस भूकंप के असर के बारे में बताया गया था। तीसरी तस्वीर अक्टूबर 2006 की है। न्यूयॉर्क टाइम्स में इस फोटो के साथ खबर लगी मिली। लिखा था पाकिस्तानी मिलिट्री ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर स्थित एक मदरसे पर एयर स्ट्राइक की और इसमें 80 लोग मारे गए। पाकिस्तान को पता चला था कि इस मदरसे में टेररिस्ट कैंप चलते हैं। चौथी तस्वीर नवंबर 2014 की है। पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर के पास सुसाइड बॉम्बिंग में 52 लोग मारे गए थे। आउटलुक में खबर मिली कि तस्वीर लाहौर के एक अस्पताल में लाशों के पास खड़े लोगों की है। पांचवी तस्वीर इसी हमले के बाद की है, बस लोग अस्पताल के बजाय मैदान में लाशों के साथ हैं। छठवीं तस्वीर 19 दिसंबर 2014 को खींची गई थी, ये तालिबानी आतंकवादियों की लाशें हैं। नतीजा ये सारी तस्वीरें भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक की नहीं है, पाकिस्तान की पुरानी तस्वीरें हैं। अगर आपके पास भी कोई वीडियो कोई खबर आ रही है जो आजकल सर्जिकल स्ट्राइक से ही जुड़ी हुई है और आपको लगता है कि इसकी सत्यता संदिग्ध है तो आप उसे पड़ताल के लिए भेजें लल्लन टॉप के पास। हमारा पता है padtalmail@gmail.com। आज के दी लल्लन टॉप शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभरात्रि।